जी हाँ दोस्तों, मेरे पेज पर एक नई कहानी बस आपके लिए। दोस्तों मैं सभी नदियों के बारे में जानकारी देता हूँ, तो आज दूंगा मैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी गिनती की जाती है, वही इसकी अंकित मैं बता दूँ तो चौथे नंबर में की जाती है। दोस्तों यह पश्चिमी के घाट के क्षेत्रों में बहती है। यही महानलेश्वर की नदी की इसकी लंबाई 1288 किलोमीटर आंकी गई है। तो दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बहती है और यह जाके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और यह एक कृष्णा नदी की उप नदी के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिसे हम कहते हैं कुंडावी नदी, कोपना नदी, पंचगंगा नदी, दूध गंगा नदी, मस्ती नदी, ऐसे ऐसे नदी है जिसे हैदराबाद की मुख्य नदी जिसे मूसी नदी के नाम से लोग जानते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो शिव समुद्र नदी है जिसका जल प्रपात सबसे बड़ी मानी जाती है, सर्वाधिक मात्रा में यह जल विद्युत पैदा करती है। वही बता दूँ सुनो, जिसे श्री रंगपट्टनम के जल प्रपात के नाम से जाना जाता है, जो विद्युत उत्पादन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कृष्णा नदी जो अपने आप में बहुत ही बड़ी नदी मानी जाती है। और यहाँ एक चीज़ आपको बता दूँ, जो इसकी मिट्टी की परत है उपजाऊ मानी जाती है। जब पूरा मिट्टी की परत बह कर आती है तो किसानों में एक बहुत ही खुशी की माहौल छा जाती है, क्योंकि उसकी परत उपजाऊ ज़मीन बन जाती है। यह रेगिस मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ऐसे ऐसे मिट्टी पाई जाती है जो बहुत ही उपजाऊपन रहती है। आपको एक अचंभित कर देने वाली आपको बात बता दूं, जिसको सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा चकित हो जाएंगे। क्या आपको पता होगा क्या हो सकता है? कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है, जो किनारे किनारे पर खोज की जाती है। आप सर्च गूगल में देख सकते हैं, जो कृष्णा नदी है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध नदी मानी जाती है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में तो बहती है, जो महाराष्ट्र तेलंगाना को एक बहुत ही ज़्यादा वही। और एक चीज़ आपको बताऊं दोस्तों, तो सर्च मारना बाघिन नदी, हीरे कहाँ पाया जाता है करके, तो बाघिन नदी में आपको मिलेगा। एक ऐसी नदी जिसमें हीरे पाई जाती है, जिसे हम लोग बाघिन नदी कहते हैं, जिसके किनारों में हीरे का मिल बना हुआ है और मिल ही जाता है खोजने पर। दोस्तों कृष्णा नदी का सबसे लंबा सफ़र तय करती है, जो भारत की सबसे लंबी चौथी नदी तो मानी ही जाती है। इसमें महाभारत में भी कृष्णा नदी का एक लेख लिखी हुई है, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही विचित्र और बहुत ही विस्तृत लेखों में लिखी गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि कृष्णा नदी से सिंचाई क्षेत्र में 10 लाख एकड़ को यह उपजाऊ ज़मीन को सिंचित करती है। विजयवाड़ा क्षेत्रों का बहुत बड़ा नदी कृष्णा नदी को माना जाता है। विजयवाड़ा जो शहर बहुत बड़ा है, वही इसकी एक चौड़ाई बता दूं तो 1800 गज की मानी जाती है। दोस्तों मैं और नदियों के बारे में आपको जानकारी पूरी पूरी देते जाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सिर्फ आप ही देख सकें, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सिर्फ आप ही देख सकें। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।